के साप्ताहिक साक्षात्कार में आपका स्वागत है, जिसमें समाज सेवी बुद्धिजीवी चक्रेश अग्रवाल नए विषय पर जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहां पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोकलपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281-783-2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents Deo Bhumi Uttaranchal ka utkrisht utpadan, CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG, what a great call. कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं समाज सेवी चक्रेश अग्रवाल जी। बात करेंगे पतंग माजे पर और जन्माष्टमी आने वाली है कि हमें जन्माष्टमी कैसे होना चाहिए और पतंग का जो मांझा है, चाइनीज मांझा है, उससे कैसे बचा जाए। आज चलते हैं चक्रेश अग्रवाल जी के पास। अग्रवाल जी, क्या वजह है इस टाइम पतंग उड़ान में जो मांझा यूज कर रहे हैं उससे समस्या हुई है और डेथ भी हो चुकी है? गुप्ता जी नमस्कार। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरे सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जैसा कि आपने कहा, पतंग उड़ाने से ये हमने भी न्यूज में देखा ही है, काफ़ी जगह समाचार पत्रों में भी था कि मांझे की वजह से दिल्ली में ही कम से कम 6 से 7 मौतें हो चुकी हैं और उसके अलावा पक्षियों पर बड़ा इसका नुकसान हो रहा है और उनकी भी बहुत अधिक संख्या में हताहत हुए हैं और साथ के साथ मेट्रो संचालन भी कई बार बाधित हुआ है और आपका जो विद्युत हमारे इक्विपमेंट हैं उन पर भी प्रभाव पड़ा है। इस सब का मुख्य कारण चाइना में बना हुआ मेटल का धागा है, मेटल का मांझा जो है वो है। हमारा जो परंपरागत धागा होता था, मांझा होता था, उस मांझे में हम धागे पर कांच और गोंद और इन सब चीज़ों को लगा करके जब उसे बनाते थे तो वो अपने उसका इस्तेमाल किया करते थे। उसके इस्तेमाल से हमें 2 बातें निश्चित रूप से हो जाती थी कि जैसे ही वो पानी के संपर्क में आता था तो जो गोंद लगा हुआ है वो अपना बोंद तोड़ देता था और वो मांझा कमज़ोर हो जाता था और आदमी की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। वैसे भी धागा भले कितना मजबूत हो और उसे मजबूताई देने के लिए कांच और गोंद लगाया जाता था या और कुछ नील वगैरह भी लगाते थे, तो उस तरीके से। अब इसका
ये इसमें एक लंबी प्रक्रिया होती थी। पहले पूरा धागा बनता था, फिर एक पेस्ट तैयार करके पेस्ट उसके ऊपर चढ़ाते थे, तो हमने देखा कि वो एक लंबी प्रक्रिया होती थी। अब उसके अलावा चाइनीज प्रोडक्ट्स में जो है बड़ा शॉर्टकट अडॉप्ट किया गया है और उन्होंने मेटल ऑब्लिक फाइबर का धागा निकालना शुरू कर दिया है। उससे क्या हो रहा है कि उसमें धार तो है, तो अब जैसे ही कोई वाहन चालक जा रहा है और उसके किसी अंग पर वो धागा आ जाता है, तो चूंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और धागा दूसरी तरफ होता है और धागा टूटता नहीं है, बहुत मजबूत है, तो वो उसको कट गहरा कट डालता चला जाता है और कई बार ये अब की बार तो दुखद दुर्घटना के रूप में भी हमारे सामने आया है। कई बार हम लोगों के पास साथ की जानकारी में भी ऐसा हो चुका है कि मोटरसाइकिल चलाते हुए नाक पर गर्दन पर घाव बने हैं। तचूर हमारे आसपास तो ऐसा नहीं हुआ था, मगर अभी जो दो तीन दुर्घटनाएं हुई हैं वो खतरनाक हैं और हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को क्यों नहीं बैन लगाना चाहिए? सुना है कि इसमें बैन था 80 साल से बैन है, क्या वजह है? 80 साल से बैन है, उसके बाद भी ये पतंगबाजी हो गई। हाँ, मैं यूं ही हैरान हूँ कि दिल्ली में 1934 में एक इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट है जिसके तहत आप बिना परमिशन पतंगबाजी नहीं कर सकते हैं। देख, दो विषय हैं, एक तो हम पतंगबाजी ही नहीं कर सकते, प्रतिबंध पर पतंगबाजी पर प्रतिबंध है, दूसरा उसके फिर अगर बाकी अगर हम देश के किसी और हिस्से में बात करें तो उसके भी मानक हैं। जैसे कि आप कहेंगे कि चीनी मांझे का जिस पर अभी प्रतिबंध लगा है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर दिल्ली में तो मोटा मोटा स्पष्ट रूप से है कि ये दिल्ली देश की राजधानी है। अगस्त माह में वैसे भी बड़े जरूरी जरूरी कार्यक्रम, स्वतंत्रता दिवस समारोह दिल्ली में मुख्य रूप से मनाया जाता है और केवल दिल्ली में मुख्य रूप से मनाए जाने के कारण ही दिल्ली के स्कूलों को ही 15 अगस्त से पहले ध्वजारोहण की परमिशन है, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है किसी भी अन्य स्टेट में आप 15 अगस्त से पहले ध्वजारोहण नहीं कर सकते हैं। तो जहां दिल्ली जैसे उसमें पहले से ही पतंगबाजी पर प्रतिबंध है, वहां पर इस तरीके से खुले मांझे का इस्तेमाल होना वास्तव में एक कानूनी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और आपने देखा कि बच्चे, ये तो सिर्फ मांझी की वजह से है, वैसे पतंगबाजी के और भी बहुत सारे नुकसान हैं। आपने देखा ही है कि छोटे बच्चे इकट्ठी पतंग को लूटने के लिए जाते हैं तो आंख मीच करके, मतलब अनकॉन्शियसनेस, वो दौड़ते हैं तो वाहन के सामने आ जाते हैं, दीवार से टकरा जाते हैं, पेड़ से टकरा जाते हैं, खुद गिर पड़ते हैं और चोटिल हो जाते हैं। साथ ही साथ छतों पर जब हम पतंग उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि खुले, अब तो हम अपील भी करते हैं कि खुले मैदान में उड़ाइए, अब फ्लैट हो गया तो फ्लैट सिस्टम में इस तरीके की कल्चर भी कुछ रुकी हुई है, वरना पहले अभी भी काफ़ी छतों पर पतंग उड़ाते हैं डीजे, तो वो पतंग उड़ाने पर क्या होता है कि आप पीछे 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 जाते रहते हैं और मुनेर से कई बार बच्चों के गिरने की या बड़ों के गिरने की भी दुर्घटनाएं आई हैं। तो इन सब चीज़ों से सावधानी पूर्वक बचा जा सकता है। इसके अलावा जो हम डीजे बजा करके पतंगबाजी करते हैं उस डीजे पर भी प्रतिबंध है, और ये भी हमारे पोल्यूशन एक्ट के तहत कि आप इतने डेसिमल से ज़्यादा वॉल्यूम में आवाज़ नहीं बजा सकते हैं, उसके तहत भी उस पर प्रतिबंध है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बाकी बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलनाथ नगर अपोजिट
रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 2202-6292-2239-2314। MBM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहां पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MBM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें, नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MBM इंटरनेशनल स्कूल, D508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 2257-3594। वेबसाइट www.siddharthinternational। मॉडर्न KD3 पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जोड़ो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चक्रवी जी, 15 अगस्त की बात की आपने, 15 अगस्त को मोदी जी भाषण देने गए थे, उसी समय रेड फोर्ट पर पतंग आ गई थी। पतंग को मिलिट्री ने कैसे हटाया हमें जानते, पर पतंग वहां आ गई थी रेड फोर्ट पर। क्या वो पतंग भी कोई स्टंट था, क्या था वो? नहीं, ये मात्र एक संयोग ही था वैसे तो, मगर इस संयोग को गंभीरता से लें तो एक विषय बन सकता है कि, और जैसा कि आतंकवाद का नया स्वरूप बनता जा रहा है और कई नए रूप में सामने आ रहा है, तो हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और खुद दिल्ली वासियों को भी ऐसी बातों से थोड़ा सा सावधानी पूर्वक अपना व्यवहार करना चाहिए कि हम, हमारी वजह से किसी को परेशानी या देश को परेशानी ना हो, ऐसा जरूर एक्ट, कोई ऐसे एक्ट हम ना करें। इसी महीने 15 अगस्त गया, रक्षाबंधन गया, अब जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी को भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है मंदिरों में, क्योंकि इसी दिन जन्माष्टमी दिन स्वयं भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। तो भगवान कृष्ण का जन्मदिन हर वर्ष मनाया जाता है, जैसे हम अपने बच्चों मनाते हैं, इस बारे में क्या कहना? नहीं, देखिए, मैं तो वैसे भी भगवान श्री कृष्ण जी की गीता ज्ञान के आधार पर अपना जीवन संचालित करता हूँ और अपना जीवन मैंने गीता ज्ञान को समर्पित किया हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण को का तो मेरे जीवन में वैसे ही विशेष महत्व है, और आप देखेंगे कि कुछ आदतें उनकी मुझसे मिलती जुलती भी हैं, जैसे कि मैं माखन चोर अपने आप को कहता हूँ, मैं भोजन चोर भी कहता हूँ, कि खाने के मामले में अगर मुझे भूख लगी है और तुम्हारा भोजन भी रखा है तो मैं ज़रूरत महसूस नहीं करता हूँ कि तुमसे परमिशन भी लूँ और खाना शुरू कर देता हूँ। साथ ही अगर मुझे भूख लगी हुई है और हम दोनों आ रहे हैं तो मैं पहले खाना शुरू कर देता हूँ, बाद में सामने वाले को टोकता हूँ। ऐसा मेरे में कुछ कमियाँ भी हैं, मगर मैं ये सब अपने आराध्य श्री कृष्ण जी, कृष्ण भगवान के को समर्पित मान करके अपने आप को इन सब पापों से मुक्त मान लेता हूँ। और जैसे कि माखन चोर, यानी मैं कहें कि भोजन चोर, खाने पीने की चीज़ों का, और इसी तरीके से हमने भी अपने पूरे सिस्टम में खाने पीने की को चोरी शब्द से नहीं जोड़ा है। जिसकी आवश्यकता जितनी है वो खा सकता है, ले जाना भी चाहे तो ले भी जा सकता है, तो ऐसी हमने व्यवस्था रखी हुई है।
और इसी व्यवस्था में हम फॉलो करते भी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए ज़्यादा आराध्य हैं, और भगवान हमारे जितने भी अवतार हुए हैं, 10 के 10 अवतार के स्वरूप में कर्म योगी के रूप में जो स्वरूप है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का है। भगवान श्री कृष्ण सबसे ही अहम, शुरुआत में ही कहते रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, वो अपने आप को एक ब्रह्म स्वरूप बोल करके चले हैं। बाकी आप देखेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म भी थोड़े दिनों बाद आने वाला है, तो आप देखेंगे कि उन्होंने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने धरती के नियमों की मर्यादाओं में अपने आप को बाधित किया था, तो उन्होंने ये कहा कि ईश्वर भी सामाजिक बंधनों और सांसारिक बंधनों के अनुरूप ही चलेगा, उस पर भी वो नियम लागू होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म से करते हैं और कर्म का फल अगर ईश्वर को समर्पित करके चलते हैं तो आप मोह माया से दूर रह सकते हैं और अपने निश्चिंत भाव से, निश्चय के साथ निश्चिंत भाव से रह सकते हैं। तो ऐसे आराध्य देव जी का जन्म मनाया जाना बहुत, पूरा भारत पूरे सम्मान के साथ मनाता है। और आपको मालूम ही है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था, फिर वो यमुना जी पार करके यशोदा मैया के पास ले जाए गए थे, तो वो सारा आप लोगों को मालूम ही है। तो मेरा मानना यह है कि भगवान श्री कृष्ण, ये अब अगस्त का महीना हमारे लिए और भी इसलिए ज़्यादा पवित्र हो जाता है कि इतने महा भगवान स्वरूप खुद प्रकट हुए हैं, तो निश्चित रूप से भारत के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बाकी बातचीत ब्रेक के बाद। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, भगवान हैं, पर उसके बाद उन्होंने अन्याय किया था अर्जुन के साथ मिलकर धोखे से कौरवों के किसी महान व्यक्ति का मर्डर ही करवाया था। कह के करवाया था ये आदमी आ गया है, ऐसी भगवान राम ने बागी का वध किया, पेड़ों की ओर में किया, इतना सुप्रीम कोर्ट था पर बागी ने किया। तो बागी की पत्नी कहती है कि भगवान राम जी आपने अन्याय क्यों किया, छुपे क्यों महाराज को? नहीं देखिए, ये तो किद्वंतियाँ अस्वाभाविक रूप से चलती रहती हैं। अब आप कहेंगे कि भगवान श्री भगवान शंकर ने ही भस्मासुर को भस्म कर देने का आशीर्वाद लिया था, और फिर उसी को देखा कि जब वो मिसयूज करने लगा अपनी पावर का, तो नर्तकी के रूप में आकर के उसको नृत्य के स्वरूप उसी का हाथ भस्मासुर के सिर पर रखवा करके उसको भस्म करवाए। देखिए स्वाभाविक रूप है, आप किसी पर यकीन करके अपना कोई बात, अपना कोई संसाधन, अपनी कोई जिम्मेदारी किसी को देते हैं, और जब आप उसका सही तरीके से निर्वाह नहीं करते हैं तो वो उसको वापस लेने का अधिकारी है। तब आप उनसे ये नहीं कह सकते कि यार तुमने, और वो आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि भाई देखो तुम फेल हो गए और अब मुझे वापस दे दो, तो ऐसी परिस्थिति में सारी बातें पर वो हो जाती हैं। तो हमें जो आप बातें कर रहे हैं वो अल्प ज्ञान के कारण आ जाती है, वास्तविक ज्ञान ये है कि बाली के सामने जो भी योद्धा युद्ध करने खड़ा होगा या बाली के पास ये अपना वरदान था कि उसकी आधी शक्ति छीन करके सामने वाले में आ जाए, बाली में आ जाएगी, बाली खुद बलवान है, सामने वाले की आधी शक्ति उसमें आ जाएगी, तो नेचुरली बाली जो है अजय अजय हो जाएगा, उसे कोई नहीं जीत पाएगा।
अच्छी बात है, आप चलते रहिए, हमें कोई बाजी के अजय होने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब वो धर्म विरोधी कार्य करने लगता है और आपको धर्म विरोधी बाली ने कार्य किया था, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, तो धर्म और समाज विरोधी कार्य जब करने लगता है तो उसी वक्त आदमी सही और गलत और अपने प्रति जो ह्यूमन राइट्स जिसे कहते हैं उसका अधिकार खो देता है। आप जब समाज का कानून का पालन करते हैं तभी कानून से रखवाली की उम्मीद कर सकते हैं। जब आप कानून का पालन नहीं करते तो आप ये नहीं कह सकते कि कानून मेरी रक्षा नहीं कर रहा है। तो वही कारण था कि चूंकि बाली ने भी सामाजिक कार्य किया था, आपको भी मालूम है, मैं उसका विवरण नहीं लेना चाहता। तो अब बुराई के नुकसान के समाप्ति के लिए आपको कोई भी स्वरूप रखना पड़े, कोई भी माध्यम लेना पड़े, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपने महाभारत में कौरव की अपना अर्जुन और कृष्ण की बात कही, उसमें भी आप देखें कि वो लोग अभिमन्यु की मृत्यु को के को घेर करके उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक मारा था। तो आप जब अन्याय करते हैं तो अन्याय को मिटाने के लिए ये जरूर है कि हमें फिर भी कुछ सीमित दायरे में अगर अन्याय को मिटाने के लिए हम भी अज्ञानी उसी तरीके का करें तो ये व्यवहारिक नहीं होता, टिट फॉर टैट नहीं कर सकते। मगर थोड़ा उसमें कहीं ना कहीं अगर हमें उस सीमाओं तक जाना पड़े तो ये शास्त्र सम्मत कहलाता है। जन्माष्टमी दिन हर मंदिर में छोटा हो बड़ा हो सब सजाते हैं और दुनिया वहां जाती है, क्या कह सकते? हाँ देखिए, ये तो भारतीय संस्कृति है ही, जब भी कहीं पर जन्म होता है, हमारे परिवार में भी जन्म होता है तो हम थाली बजाते हैं और प्रकाश करते हैं, तालियां बजाते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। और जब देश के भगवान का स्वयं प्रकट का स्वरूप हो तो ये एक विश्व मतलब व्यापक स्तर पर इसका आयोजन होना स्वाभाविक ही है। उत्पत्ति के लिए प्रोत्साहित को लेकर उत्साहित होना और खुशी मनाना भारतीय संस्कृति का सबसे मूल स्रोत रहा है और उसी का हम निर्वाह करते हैं। क्या मैसेज देगा जनता को जन्माष्टमी वाले दिन? इस जन्माष्टमी का पर्व आपको और समृद्धि लाए, शांति लाए, सद्भावना लाए, इसी अपेक्षा के साथ संपूर्ण भारतवासी और मेरे दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी यहाँ बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211 0638 2122 0378 4898 1078 7101052। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपके पास @yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का यह बुलेटिन यह समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के नमस्कार। हमारा पता है 198/1 श्री रामनगर शारदा दिल्ली 32, और आप हमें ट्विटर, फेसबुक और गूगल पर भी फॉलो कर सकते हैं।